नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे खेती से सोना उगलने वाली फसल के बारे में। देखिए, ब्रोकली गोभी की खेती एक ऐसी खेती है, अगर इसको आपने एक बार लगा लिया तो भैया आप भी ये कहोगे कि हाँ, ये जो फसल है या जो खेती है ये किसी सोना उगलने वाली खेती से कम नहीं है। वो क्यों? क्योंकि देखिए, इसका जो रेट होता है वो 100 रुपये किलो से लेकर जब इसकी मार्केट में कमी होती है तो 500 रुपये किलो तक ये जो गोभी होती है वो बिक जाती है। अब क्यों बिकती है, इसका मैं बताता हूँ। देखिए, इसके अंदर 90% प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी बेस है 5-स्टार और 3-स्टार होटलों के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसलिए इसका रेट का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किस रेट तक ये गोभी बिक सकती है। और भैया, एक बार अगर आपने इसकी खेती कर ली तो फूल गोभी तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आप फूल गोभी की खेती करना बंद कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है। क्योंकि मैं हर साल इसकी खेती करता हूँ, इससे कभी कभी इतना अच्छा रेट मिल जाता है कि आप उसकी कल्पना भी यहाँ पर नहीं कर सकते। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो चलिए, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ ब्रोकली गोभी की खेती की A to Z जानकारी, यानी कौन सी वेरायटी यहाँ पर लगानी है, किस तरीके की मिट्टी में आप लगा सकते हैं, कितना क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा, कितना pH मान रहेगा, कौन सी वेरायटी यहाँ पर बेस्ट रहेगी, A to Z जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें समय की, कि कब और कैसे इसकी खेती करनी है, सबसे बढ़िया समय कौन सा। तो देखिए, सबसे बढ़िया समय जो है अगस्त में नर्सरी डालनी है और सितंबर में इसका प्लांटेशन कर देना, क्योंकि कोई भी चीज़ किसान भाइयों अगैती अच्छी रहती है, थोड़ा अगैती फसल के अंदर रिस्क तो रहता है, लेकिन अगैती फसल जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और रेट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सबसे बढ़िया समय, जैसे कि मैंने बताया, अगस्त में आप नर्सरी डाल दीजिए, उसके बाद में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। अब उसके बाद में जरूरत पड़ेगी, देखिए भैया आपको वेराइटी, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितनी बढ़िया आप वेराइटी यूज़ करेंगे उतना बढ़िया आपको उत्पादन मिलेगा और जो आपका माल है उसकी क्वालिटी मिलेगी। क्योंकि देखिए, हमारी जो खेत होता है, कोई फसल होती है, फसल की उत्पादन क्षमता और उसकी क्वालिटी निर्भर करती है उसकी वेराइटी के ऊपर। जो किसान यहाँ पर बढ़िया वेराइटी सेलेक्ट कर लेता है तो वो अपना उत्पादन भी अच्छा लेता है और माल की क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है। वहीं जो किसान यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही बरत जाते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं देते, गलत वेराइटी का चयन कर लेते हैं भैया, तो उनका उत्पादन भी घट जाता है और माल की क्वालिटी होती है वो भी यहाँ पर घट जाती है। तो चलिए वेराइटी में आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर मात्र 2 वेराइटी यहाँ सेलेक्ट की हैं, बाकी आप अगर जो लगाते हो तो वो आप लगा सकते हैं, बाकी जो मेरे हिसाब से हैं वो 2 वेराइटी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की हैं। सबसे नंबर एक पे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है क्लॉस कंपनी की फैंटासी F1, बहुत ही बढ़िया गोभी है, और दूसरे नंबर पर मैंने यहाँ सेलेक्ट की है साइजेंटा कंपनी की BST। तो ये दोनों बहुत ही बढ़िया वेराइटी हैं और दोनों को मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा मुझे रेट देखने को मिला है। उसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगी ज़मीन की। तो देखिए, वैसे तो आप हर प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा उत्पादन आपको लेना है तो आप इसकी जो खेती करें वो काली मिट्टी या दोमट मिट्टी। देखिए, रेतीली मिट्टी के मुकाबले जो होता है काली मिट्टी और दोमट मिट्टी में इसकी खेती हो जाती है वो काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी बड़ी रहती है, क्योंकि रेतीली मिट्टी के मुकाबले इसका जो दोमट मिट्टी या काली मिट्टी में फूल आता है वो बेहंदार आता है और काफ़ी शाइनिंग वाला होता है। तो इसलिए आप मिट्टी हो सके तो काली या दोमट मिट्टी यहाँ पर यूज़ करें। उसके बाद में क्या करना है, आपको ज़मीन तैयार करानी है बढ़िया तरीके से। अगर आपके पास देसी खाद है, गोबर खाद है, तो गोबर खाद डाल दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़मीन यहाँ पर आप पहले कल्टीवेटर तैयार कर लें बढ़िया तरीके, बाकी अदर कृषि यंत्र हमारे यहाँ आ रहे हैं यहाँ पर, बाद में रोटावेटर की सहायता से आप यहाँ बढ़िया तरीके ज़मीन यहाँ पर तैयार कर लें। देखिए, ज़मीन जितनी भूरी जितनी बढ़िया रहेगी आपकी खेती की उत्पादन क्षमता उतनी बढ़ेगी, प्लांट जो है उतनी तेज़ी से यहाँ पर ग्रो करेगा। कुछ किसान क्या करते हैं, बढ़िया तरीके ज़मीन तैयार नहीं कराते तो उनकी फसल भी ग्रो नहीं करती। तो जितनी बढ़िया ज़मीन रहेगी फसल की ग्रोथ भी उतनी बढ़िया होगी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ज़मीन बढ़िया तरीके से तैयार करा लें। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको क्या करना है, सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने बारिश पड़ने के चांस रहते हैं, तो आपको क्या करना है, गहरी गोले और ज़मीन यहाँ पर ऊँची चयन करनी है जहाँ पर बारिश का पानी जो है प्रॉपर निकल सके। तो ऊँची ज़मीन और बढ़िया तरीके से गहरी गोले आपको यहाँ पर निकालनी है। आप गोल निकालने के बाद जो मेड़ होती है, मेड़ के साइड में गोभी ना लगाकर आपको बीचों बीच यहाँ पर लगानी है। अब बीचों बीच क्यों लगानी है, इसके बारे में देखा आपको बता देता हूँ। सितंबर का महीना है, आजकल आप देख रहे हैं कि जो बारिश होती है पिछैती बारिश ज़्यादा होती है, यानी लेट बारिश ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं सितंबर में भारी बारिश हो जाए और आपकी गोभी मारी जाए, क्योंकि ये ज़्यादा पानी में सहनशील नहीं होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेड़ के बीचों बीच यहाँ पर गोभी लगानी है, जिससे होगा ये आप खेत के अंदर कितना ही पानी भरेगा आपकी गोभी में कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की। तो देखिए, हमारी जो गोभी होती है इसको टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो आप
30 से 35 या 25 यानी 35 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इससे कम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सर्दी के मौसम में तो बहुत ही बढ़ जाती है बेसिकली। तो 35 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर बहुत बढ़िया होती है, बहुत ही बढ़िया इसके अंदर फूल आता है। तो टेम्परेचर की बात तो हो गई। अब बात करते हैं पीएच वन की। देखिए पीएच ज़मीन का जो होना चाहिए 5.2 से 7.5 तक पीएच रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जो पीएच होता है इसके लिए अनुकूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टेम्परेचर की बात करूँ 40 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये सहन कर लेती है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा गर्मी में फूल की में जो ग्रोथ नहीं होती है और फूल काफ़ी अच्छा भी नहीं आता। इसलिए सर्दी के ऋतु में इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है और सर्दी के मौसम में इसको ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सेप्टेम्बर के महीने में नर्सरी डाल देनी है। अगस्त के महीने में आपको नर्सरी डाल देनी है, सेप्टेम्बर के महीने में इसका प्लांटेशन कर देना। और एक बार आपने इसकी खेती को कर लिया तो भैया आप ये कहोगे कि भैया बहुत ही बढ़िया फसल है, बहुत ही अच्छी इनकम है। और रेड जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर प्रोटीन होती है, प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से ठंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। 5-star 3-star होटलों के अंदर भी इसको पसंद किया, सलाद के अंदर भी इसको पसंद किया जाता है। और इस गोभी की मार्केट भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक बार आपने इसकी खेती कर ली सही तरीके से, बड़े तरीके प्रोडक्शन पा लिया और अच्छी इनकम आपकी हो गई, तो आप फूल गोभी की खेती को करना बंद कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसका रेट होता है वो सभी फसलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। सारी फसल एक तरफ, ब्रोकली गोभी एक तरफ, ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर साल लगाता हूँ तो इसका रेट और मुझे पता है। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।